हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। आज हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करने वाले हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो पहले मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूँ, ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी जो रियल बेस्ड सिचुएशन होती है उसको हम कैलकुलेशन ईजी बना सकें। ठीक है, जैसे आपको फिजिक्स में भी अभी बहुत सारे सम्स करने पड़ेंगे जिसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा, तो आप उसे कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी कि हम आपके लिए दोनों चीज़ें एक साथ ला सके, सॉल्विंग के लिए भी और पीडीएफ भी था, तो हमारा जो है एक ही फ़ोन है उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो डिस्टर ये सब तभी ठीक हो सकता है जब आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर क्वालिटी बेस्ड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में सबसे पहला एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2^-3। 2^-3 को हाउ कैन वी राइट, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2^3। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2^3 लिखोगे तो उसमें 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 1/8। ठीक है, जब भी हम लोगों के पास नेगेटिव पावर्स होती हैं तो हम इसे उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं ताकि उसका पॉजिटिव बना लें। नेक्स्ट स्टेप 1/2^-1/3^-2। तो अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने 3/1 लिख दिया, यानी कि 3 की पावर अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट है तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अब है सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे -4^5 और मल्टीप्लाई पर -4^-10। तो अब बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको और भी इजी तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल ट्राई टू गो विद द रेसिप्रोकल मैथड जिस पर आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे -4^ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन -10 जहाँ पे लिखा है वहाँ को हम लोग लिख सकते हैं 1/-4^10। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 1/-4^5। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपोनेंट -5 आ गया था। क्योंकि अब देखो डायरेक्टली भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेसिप्रोकल वाले मेथड से इसलिए बता रही हूँ जिससे कि क्या हो, आपको अंडरस्टैंड हो जाए अच्छे से। अगर आप रेसिप्रोकल वाले मेथड से करेंगे तो भी आपको मल्टीप्लाई तो करना है, तो ऊपर आ जाएगा -4^5 और नीचे आ जाएगा -4^10। तो अब डिवाइड करना है तो -4^5 -10 तो ये जाएगा -5। अब पॉजिटिव लाने के लिए 1/-4^5। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 2/5 2^5 / 2^-6। अब इसमें क्या करना है, डिवाइड है तो इसमें डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था 6th-7th क्लास में हमने पढ़ा था a^m / a^n सो इज इक्वल टू a^m - n। ठीक है, पढ़ा होगा सबने। अब यहाँ पे देखो, लेकिन इसमें हमें ये रूल जो है अप्लाई करना है, तो 2^ कितनी हो जाएगी 5 - -6 तो इसमें हो जाएगा +6 जिसकी वजह से हो जाएगी 2^11। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे एक्सप्रेस 4 - 3 एज अ पावर विद बेस 22। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2^2 एंड होल की पावर -3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2^ हो जाएगी -6। अब इसको हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखना है, तो मैं लिख दूंगी 1/2^6, लेकिन इतना ज़्यादा हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ दिखाना है कि बेस 2 होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे देखो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 2^5 / 2^8 होल की पावर 5 (2^-5). अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले डिवाइड ब्रैकेट में दिया है तो सबसे पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। पढ़ा है a^m / a^n सो a^m - n, तो वही रूल अप्लाई करेंगे 5 - 8 (2^5 - 5). तो अब हो जाएगा यहाँ पे 2^-3 / 5 (2^-5). अब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो वी विल गेट -15 / 5^5। ठीक है, तो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बेस सेम नहीं है और पावर्स भी हमारे पास सेम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2^15 / 1/5^5। तो तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे हमारे पास जो है 5 और 2 है एज अ क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2^-5 थी, यानी कि बेस तो सेम है हमारे पास। ठीक है,
तो 2 की पावर -5 और 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -15। तो 2 की पावर -15 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -5। तो 2 की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -15 प्लस -5 हमें मिल जाएगा -20। -20 को अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखना है तो 1/5 2 की पावर 20। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा इजीली आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, -4 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर -3। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हमारे पास पावर सेम है यानी कि हम डायरेक्टली तीनों को मल्टीप्लाई करके इनकी पावर -3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो -4 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी इट इज़ 20 मल्टीप्लाई बाय -5 तो ये हो जाएगा 100। अब मैंने 100 क्यों लिखा, -100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस के साइन 2 हैं और -- बिकम्स प्लस, तो यहाँ पे पावर जाएगी -3। अब मैं इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखूंगी 1/100 की पावर 3। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट आपका 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3। तो यहाँ पे देखो 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3। तो मैं इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ कैसे लिखूंगी, 1/3 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो अब यहाँ पे पावर सेम है तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इजी था। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर 4। तो अब यहाँ पे पावर सेम है तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली और फिर पावर 4 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 5 और दोनों की पावर 4 है तो ये हो जाएगा -5 की पावर 4, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको ऐसे इसको आप -5 की पावर 4 आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा सॉल्व करना है ना इसको, देखो इन्होंने कहा कि सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो -4, 1 की पावर -4 होती है ना जब भी डियर स्टूडेंट, तो एक रूल होता है आपका -1 की पावर 4 है। अब देखो 4 अगर 4 है पावर, अगर आपकी इवन नंबर में है तो आपका साइन जो है वो प्लस हो जाता है, लेकिन पावर अगर आपके ये जो है ऑड नंबर्स में है तो साइन क्या होता है, साइन आपका माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे पावर 4 है तो इसका मतलब कि साइन आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 4, ठीक है डियर स्टूडेंट। उन्होंने बता भी रखा है ब्रैकेट में, तो ये बहुत इजी था। अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है डायरेक्टली कट ऑफ करके तो आप और भी कैसे मेथड से कर सकते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा -15/3 की पावर 4, ठीक है, और फिर उसे कट ऑफ करोगे तो -5 की पावर 4 भी आपका आंसर आ सकता है। लेकिन अगर आप याले मेथड से करो तो इसमें क्या होगा, आपका पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो -5 की पावर 4 भी लिखोगे तब भी कोई भी आपका गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द -3 की पावर m+1 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। अब यहाँ पे देखो आपने रूल पढ़ा होगा 7th क्लास में कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, तो वही रूल इसमें भी अप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे -3 की पावर को हम लोग क्या लिख सकते थे, m+1 इसको पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर +5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7, यही है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे m+1 लेंगे ब्रैकेट में +5 = 7 जो रिजल्ट की पावर है उसको ले लिया। अब यहाँ पे m+6 = 7 सो m = 7 - 6 = 1 तो m की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। m की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, तो मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1+1 = 2, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बहुत इजी था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 की पावर -2, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखो 2/3 की पावर -2 है, तो अब इसको मेरे को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने लिख दिया 3/2। अब दोनों की पावर 2 2 हो गई क्योंकि उन्होंने कहा होल की पावर -2, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों की पावर 2 2 हो गई, तो 3 की पावर 2 9 और 4 सिंपल थे। अब सिंपलीफाई में आ जाते हैं क्वेश्चन से। एग्जांपल नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट आपका है 1/3 की पावर -2 -1/2 की पावर -3 और ब्रैकेट बना लो अच्छा सा और उसका डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -2। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2 क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर में ही पॉजिटिव में आ गई है। फिर -2 की पावर 3 ब्रैकेट लिख दिया, उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2। समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 विच इज़ 16। तो अब यहाँ पे देखो 9 - 8 होता है 1, 1 डिवाइडेड बाय 16 क्या लिख दोगे इसको 1/16 लिख दोगे। सिंपल था बहुत। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो डी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्या है इसमें 5/8 की पावर -7 (8/5 की पावर -5) तो अब इसमें मेरे को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है, तो 8/5 होल की पावर -7 दे रखे हैं, तो मैं इसको क्या लिखूँगी 8 की पावर 7 (5 की पावर 7) ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 5/8, मैंने 5/8 क्यों लिखा ताकि पावर पॉजिटिव हो सके, तो 5 की पावर 5 हो जाएगी, 8 की पावर 5 हो जाती है। अब देखो इसको मैं काट लूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 और 8 है, तो 8 और 8 को अगर मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी 7 - 5 जो कि है 8 की पावर हो जाएगी 2। अब देखो 5 को भी अगर मेरे को काटना है तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा बिकॉज बेस सेम है और पावर्स आपकी जो है वो माइनस हो जाती हैं, तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5 - 7 हो जाएगी विच इज़ 5 की पावर -2। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -2, ठीक है। तो अब मेरे पास मैं इसको लिख सकती हूँ 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 2 विच इज़ 8 की पावर 2 / 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 64/25। तो बहुत सिंपल थे डी स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन। आते हैं एक्सरसाइज 10.1 में। सबसे पहला है इवेल्यूएट। इवेल्यूएट में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 3 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद फिर -4 की पावर -2 ये हो सकता है 1/-4 की पावर 2, अगर पूरा सॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल अलाउ हैं। उसके बाद यहाँ -4 की पावर 2 भी आपका 16 हो जाएगा बिकॉज माइनस माइनस बिकम्स प्लस। उसके बाद फिर 1/2 की पावर -5, तो इसमें फिर रेसिप्रोकल वाला मामला आ चुका है, 2 की पावर भी 5 हो जाएगी और 1 की पावर भी 5 हो जाएगी, क्यों, बिकॉज डियर स्टूडेंट होल की पावर माइनस 5 दी थी इसलिए, ठीक है। तो अब 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 और 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगी, तो आंसर कितना हो गया 32 हो गया। अब यहाँ पे देखो सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि पावर नोटेशन के साथ हमें सिंपलीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है रिजल्ट इन पावर नोटेशन, पावर के साथ लिखना है विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है -4 की पावर 5 / -4 की पावर 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो -4 की पावर 5 - 8 विच इज़ -4 की पावर -3, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/-4 की पावर 3, ठीक है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ एक्सप्रेस करना था इसलिए ऐसा लिखा, पावर नोटेशन में रिजल्ट एक्सप्रेस करना है इसलिए मैं पूरा आंसर नहीं निकाल रही हूँ, वरना इसका आंसर कितना आ जाता 1/-64 आ जाता, क्योंकि आपके पास ऑड नंबर है पावर में तो माइनस आ जाएगा साइन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएस्टेंट यहाँ पर आपका 1/2 की पावर 3 होल की पावर 2, तो यहाँ पे क्या अब मेरे को पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ एक्सप्रेस करना है। अब मैं इसको अच्छी तरह सॉल्व करने के लिए आपको एक बार माइनस साइन के साथ एक्सप्रेस दिखाती हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर -3 होल की पावर 2, तो अब मेरे पास बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ए की पावर एम एंड होल की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन, ये 7th क्लास में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी -6 हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ शो करना है, सो 1/2 की पावर
6। अगर इसको पूरा सॉल्व करते तब आपको पूरा आंसर भी निकालना है, लेकिन उन्होंने कहा कि पावर नोटेशन के साथ ही आंसर शो करना है, तो वैसे ही शो करना है, बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर 4। अब यहाँ पर मेरे पास पावर सेम है, इसका मतलब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं अगर 3 और 3 को काट दूँ तो मेरे पास -1 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, और -1 की पावर भी 4 है, तो मल्टीप्लाई करूँगी तो -5 की पावर 4 हो जाएगी। लेकिन अगर पूरा इवेल्युएट करोगे तो इसमें आपका जो -1 है तो ये हो जाएगा डीएसटी में आपका +1, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो ऊपर से इवन नंबर है तो साइन प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितनी होती है 625, ठीक है, 625 आंसर आ जाता है आपका पॉजिटिव। लेकिन उन्होंने कहा पावर नोटेशन के साथ शो करना है, इसलिए मैं -5/4 की पावर 4 कर रही हूँ, वरना अगर आप +5 की पावर 4 भी करें तब भी आपका सही आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है डीएसटी, यहाँ पे आपका 3 की पावर -7 / 3 की पावर -10 / 3 की पावर -5। अब यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी, -7 - -10, ब्रैकेट में लिखना -10 को, तो यहाँ पे हो जाएगी /3 की पावर -5। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, -7 + 10, तो 3 की पावर हो जाएगी 3 /3 की पावर -5, तो 3 की पावर ऐड होगा, आप क्योंकि जब भी बेस सेम होता है ऐड हो जाती है पावर मल्टीप्लाई होते समय, तो यहाँ पे हो जाएगा एडिशन, आपको आएगा 3 की पावर -2। अब 3 की पावर -2 तो हमें नहीं देख सकते, क्योंकि हमें पावर नोटेशन के साथ दिखाना तो है, लेकिन पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, तो हो जाएगा 1/3 की पावर 2। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5th पार्ट, जो कि है 2 की पावर -3 / -7 की पावर -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी पावर सेम है तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँगी वर्चुअली -14 की पावर -3, और इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ शो करने के लिए 1/-14 की पावर 3। बहुत सिंपल था। अब यहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे पहला पार्ट कहता है 3 की पावर 0, 0 है 3 की पावर, रूल पड़ा होगा कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट आते हैं +4 की पावर -1 / 2 की पावर 2। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह फाइंड आउट करना है, तो हम लोग अलग अलग रूल्स यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। 3 की पावर 0 को मैं डायरेक्टली 1 लिख रही हूँ। उसके बाद 4 की पावर -1 को 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2, और मैं ऊपर होल की पावर -1 लिख देती हूँ। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, तो अब 1 प्लस, अब जो पहले जो ब्रैकेट दिया होता है पहले वही सॉल्व करना चाहिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, तो +2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -2 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 + 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब 1 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करना बॉड मास रूल यूज़ करके, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली कट ऑफ कर देते हैं 4 4 को, तो इससे आंसर तो मैम हमारा 2 आ रहा है, लेकिन 2 तो करेक्ट आंसर नहीं है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है, बॉड मास रूल के हिसाब से, ताकि आपका करेक्ट आंसर आ सके। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/4 / 4। अब काटोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सिर्फ यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करा, और मेरे को पता है आप में से कई बच्चों का ये वाला क्वेश्चन बहुत बार गलत हुआ होगा, तो इसमें ये इसलिए गलत हो रहा था क्योंकि आप डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई करके काट दे रहे थे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डीएसटी आपका यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 2 की पावर -1 / 4 की पावर -1 / 2 की पावर -2।
अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1 है, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 होल की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब मैं बार बार ऐसा क्यों कर रही हूँ कि मैं 2 की पावर 2 ले ले रही हूँ 4 को, क्योंकि टेस्ट अभी आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको यही वाली चीज़ें यूज़ करनी है, तो मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ कि कैसे आप लोग ये कर सकते हो, वरना अगर आप 4 की पावर -1 से भी सॉल्व करें तो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसे 1 बाय 2 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास नेगेटिव पावर थी इसलिए, और मल्टीप्लाई बाय 1 बाय यहाँ पे मेरे पास है 2 की पावर 2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर -2, तो मैं इसको नीचे करके लिखूँगी तो मेरे पास आ जाएगी 2 की पावर 2 पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ। उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय 2 की पावर 2, तो ये हो गया बहुत ही इजी सा। अब यहाँ पे पहले इन्होंने ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की पावर 1 बाय 2 मैंने लिखवाया था, तो ये 1 बाय 2 ही रहेगा क्योंकि पावर 1 है, तो 2 को 1 बार अगर 1 पावर है तो 2 ही रहेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मेरे को मिल जाएगा आंसर 1 बाय 8 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे है 1 बाय 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को आई कैन राइट एज 4। तो अब जब मैं डिवाइड करती हूँ कोई भी फ्रैक्शन को तो मैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 4 बाय 1, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को मिल जाएगा 4 बाय 8, और इसको कट ऑफ करूँगी तो 1 बाय 2। तो ये बहुत ही इजी सा आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का भी। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो ये है 1 बाय 2 की पावर -2 प्लस 1 बाय 3 की पावर -2 प्लस 1 बाय 4 की पावर -2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पहले ही देख के समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे देखो, मैं -2 है पावर, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आई विल टेक आउट द रेसिप्रोकल, जो कि 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा प्लस 4 की पावर 2 हो जाएगा। अब मेरे को सिर्फ ऐड करना है, तो 4 प्लस 3 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 कितना होता है डीएसटी आपका, 4 प्लस 9 आपका होता है 13, 13 प्लस 16 आपका कितना होता है, ये होता है 19, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल की पावर 0। हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं 1, लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स का आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो मैम तो आपको मार्क्स देंगी नहीं, तो इसलिए आपको इसे अच्छी तरह सॉल्व करके देना है, वरना डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 है होल की पावर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ गया, 5 मार्क्स का आ गया, तो क्या 1 लिख के हो गए एग्जाम में, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैम डायरेक्ट आपको 0 दे देंगी या आधा मार्क्स देंगे, तो इसलिए यहाँ पे अच्छी तरह सॉल्व करते हैं। तो 1 बाय 3 लिख सकती हूँ मैं इसको, प्लस 1 बाय 4 लिख सकती हूँ, प्लस 1 बाय 5 लिख सकती हूँ, होल की पावर 0 हो जाएगी। इन एलशियम लूँगी मैं तीनों का, तो मेरे पास आ जाएगा 60, 3 को मल्टीप्लाई करूँगी 20 से, 20 प्लस 4 को 4 की टेबल में 60 कितने जामे आता है, 15 जामे आता है, सिर्फ 20 प्लस 15 और 5 की टेबल में आता है 12 जामे, तो 12। तो यहाँ पे तीनों को ऐड करूँगी तो हो जाएगा 47/60 की होल की पावर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1। ऐसे सॉल्व करोगे एग्जाम में अगर आ गया क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, अगर 1 मार्क्स का आता है फिलिंग द ब्लैंक्स में तो डायरेक्ट 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट आपका -2 बाय 3 की होल की पावर -2, और उसके बाद फिर एक और ब्रैकेट ही है उसमें भी फिर होल की पावर -2 दी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले -2 बाय 3 -2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा -4, होल की पावर -4 हो जाएगी। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 3 बाय 2 -2 की पावर 4, तो यहाँ पे 3 की पावर भी 4 हो जाएगी और ये 2 की पावर भी 4 हो जाएगी, मैंने पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब यहाँ पे इस ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको इनका पूरा वो भी निकालना होगा, क्या कहते हैं पूरा मतलब पावर 4 है तो अच्छी तरह मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 3 की पावर 4 होता है 81 और 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। मैंने -10 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज पावर जो है वो इवन नंबर में, जब इवन नंबर में होती है तो आपका -10 नहीं आता, आपका प्लस ही आता है। आप इसे करके भी देख लो, माइनस माइनस प्लस
तो यहाँ पे अपर पावर प्लस आ जाएगी, ठीक है। तो 81/16। अब नेक्स्ट आ रहा है डी एस स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है इवेल्युएट। सबसे पहला चीज़ दी है 8^-1^5^3/2^-4। तो अब ये कैसे होगा क्वेश्चन? अब यहाँ पे 8^-1 को आई कैन राइट एज 2^3^-1^5^3, ये सही है। उसके बाद फिर नीचे है 2^-4, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 2^ में ऊपर कितनी लिख सकती हूँ, 3^-1 विच इज़ -3 2^3/2^-4। अब डिवाइड हो रहा है 2, तो 2^ कितनी हो जाएगी, -3 -4। -4 को ब्रैकेट में लिखोगे, 5^3। तो ये हो जाएगा 2^ हो जाएगी 1^5^3। अब 2^1 है तो 2 ही रहेगा। अब लेकिन 5^3 है तो वो होता है 125। अब 2^2 × 125 = 250। कोई भी बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, अचानक से दिमाग में आया मैम 625 होता है और 625 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर गलत आता है। तो ये कोई गलतियाँ आपको एग्जाम में नहीं करनी है, अच्छी तरह पहले चेक कर लो कि उसका क्या होगा, ठीक है। अगर आप कंफर्म नहीं हो, आपको याद नहीं है क्यूब्स एंड स्क्वायर, तो क्यूब्स एंड स्क्वायर आपको याद इसलिए करना था ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है ईजी बन जाए, आपके एग्जाम में इतना टाइम बर्बाद ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग पार्ट टू में, जो कि है यहाँ पे 5^-1 (2^-1)/6^-1। ब्रैकेट बनाना मत भूलना कभी, या ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दें बाद में 6^-1 को देखेंगे। तो अब मैं 5^-1 को लिख सकती हूँ 1/5 (1/2) ब्रैकेट लिख दिया। अब उसके बाद 1/6, तो अब मैं जब मल्टीप्लाई करूँगी सो आई विल गेट आंसर 1/10 × 1/6, तो हो गया 1/60। सिंपल। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द फॉलोइंग। एग्जांपल भी करा था हमने तो इजी हो गया हम लोगों के लिए। तो अब यहाँ पर है 5^m / 5^-3 = 5^5। रूल पढ़ा था 7th क्लास में कि 1^m / 1^n = 1^m-n। वही रूल अप्लाई करना है, बेस सेम है, पावर्स जो है माइनस हो जाती हैं। तो इसका मतलब कि 5^5 तभी आई होगी जब हमने m-3 करा होगा, तो वही इक्वेशन लगानी है। तो यहाँ पे m-3 = 5, सो m = 5 प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी जो है m^2 कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है डी स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये आप लोग आराम से कर सकते हो क्योंकि पावर माइनस में, ठीक है। तो जब माइनस करोगे तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, वरना गलतियाँ क्या कर दोगे कि m^2 तो मैम -3 है, तो जब सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगी और उससे क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट मत लगाना मत भूलना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इवेलुएट में, पार्ट 1 है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पे 1/3 / -1 - 1/4 / -1 / 1। तो सबसे पहले अंदर सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3^1, क्योंकि भाई -1 है तो मैंने रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव कर लिया। उसके हम 4^1 - 4^1 / 1/4 - 1। तो पहले मैं अंदर का सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है पावर्स, मैं यहाँ पे 3 - 4 मैं करूँगी तो मेरे को जाएगा -1/1 है, तो 1 लिखने का आप कोई डी स्टूडेंट अगर आप नहीं भी लिखे 1 तो चलेगा, उसका भी 4^2 है -1। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ को पॉजिटिव करने के लिए, 1 - 1/1, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखो इवेल्युएट का सेकंड पार्ट है 5/8^-7 / 8/5^-4। रेसिप्रोकल कर लेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, 8/5^7 है तो 8^7 हो जाएगी, 5^7 हो जाएगी। उसके बाद फिर 8/5 को मैं लिखूंगी 5/8, क्योंकि मेरे को पावर पॉजिटिव करनी है, तो 5^4 हो जाएगी और 8^4 हो जाएगी। अब 8 को अगर मेरे को काटना है, डिवाइड करना है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, 8^7 - 4 विच इज़ 8^ हो जाएगी आपकी 3 × 5^ कितनी हो जाएगी, 4 - 7 विच इज़ 5^ हो जाएगी -3।
तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 तो 8 की पावर 3 रहेगा, बट माइनस 3 मैं नहीं लिखूँगी, मैं इसको पॉजिटिव कर दूँगी 1/5 की पावर 3 करके, तो मुझे 8 की पावर 3 बाय 5 की पावर 3। अब इसको पूरे वैल्यू अगर पूरा फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा 1512, क्योंकि 8 का क्यूब ये इतना होता है 512 बाय आपका 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और 5 का क्यूब 625 लिख देते हैं, ऐसी गलतियां मैंने बहुत बार देखी हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि है 7th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई वाला पार्ट 1 कह रहा है 25 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 4 बाय 5 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 8। मैंने जब पहले आपको 2 की पावर 2 करके सॉल्व करा रही थी, वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 4, 5 की पावर माइनस 3 कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 को मैं लिख सकती हूँ, 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसके फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा है तो इसमें पावर 1 है, ये समझ लेना है सबको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब लोग हम क्या करेंगे, अब हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 3 विच इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय t की पावर कितनी हो जाएगी, एक मिनट रुको डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहले मैं नीचे 5 को सॉल्व करती हूँ क्योंकि मेरे पास बेस सेम आ गया एक और, तो यहाँ पे हो जाएगी, मैंने आपको पहले क्या बताया था, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर माइनस 4 बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर माइनस 8। तो अब यहाँ पे 5 की पावर क्या हो, 5 की नीचे पहले अगर आप नीचे वाला पार्ट देखें तो इसमें 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर माइनस 8। अब यहाँ मेरे पास 2 बार 5 है, तो मैं पहले यहाँ नीचे मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करती हूँ, तो जब बेस सेम होते हैं पावर जेड हो जाती है, तो 5 की पावर जाएगी 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब मेरे पास कोई भी पावर ऊपर से नहीं दिया तो उसे 1 मान लेते हैं, तो 5 की पावर 4 हो गई मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर माइनस 8। ठीक है, टी की पावर माइनस 8। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा अब 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर माइनस 4, तो अब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई टू माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर हो जाएगी माइनस 4 माइनस माइनस 8 और डिवाइडेड बाय 2, तो अब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी डी एस टू नब आपकी माइनस 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अच्छा अच्छा आपकी माइनस 3 थी ना पावर, तो माइनस 3 थी आपकी पावर नीचे वाली, तो इसलिए आपका माइनस 3 और नीचे में जब आप ऐड करोगे प्लस 1 के साथ तो आपका हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो आपकी 5 की पावर डी स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, माइनस 2 है नीचे वाला, तो जब माइनस करोगे तो आपकी 5 की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 की पावर 0 हो चुकी है और मल्टीप्लाई बाय टी की पावर कितनी है, टी की 5 की पावर तो डी स्टूडेंट हमने यहाँ पर निकाली है। तो डी एस टूडेंट अब ये क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने धीरे धीरे बहुत तेज तेज बोला था, तो मे बी आप लोगों को समझ में ना आया हो, ध्यान से समझो। 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर माइनस 4, उसके बाद फिर नीचे है 5 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा है पावर्स नहीं बताया, मतलब पावर्स जो है वो 1 है मल्टीप्लाई बाय 8 टी की पावर माइनस 8। तो अब क्या होगा, अब पहले नीचे आपका बेस सेम है तो मैं नीचे देखूंगी, मैं 5 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस प्लस बिकम माइनस, तो 5 की पावर हो जाएगी माइनस 2, अब ऊपर है 2, तो अब पावर्स बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी, हमारी पावर हो जाएगी 4। ठीक है रिएस्टर, अभी मैंने आपको वही चीज़ बताई थी कि जल्दीबाजी में जब हम बहुत हरी में होते हैं तो हम माइनस 2 कर देते हैं, हमारी पावर 0 आ जाती है, वही गलती अभी हम लोग मैंने भी करती थी गलती से, तो वही रिएस्टर यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहती थी कि वो हो जाएगा 4। उसके बाद फिर टी की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 4 माइनस माइनस 8 विच इज़ प्लस 8, तो टी की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर भी 4 आ गई है बाय 2 है, तो अब मैं 5 और टी को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 5 टी की पावर होल की पावर 4 हो जाएगी बाय 2,
तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 625 की पावर टी की पावर 4/2, है ना, क्योंकि मैंने 5 की पावर तो निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जो कि है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 25 को मैं लिख सकती हूँ, अच्छा अभी नहीं बता रही मैं, पहले 25 लिख देते हैं पूरा, 5 की पावर -7 6 की पावर -5। ठीक है, यही है क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग 3 को -5 मल्टीप्लाई बाय 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों की पावर --5 में बढ़ जाएगी, और 25 को आई कैन राइट एज 5 की पावर 3। 5 की पावर -7 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वो दोनों की पावर -5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करूँगी इसको, अब यहाँ पे देखो 3 को 3 की पावर -5 के ऊपर, तो मैं 3 को जब डिवाइड करूँगी नीचे वाले 3 के साथ, तो मैं माइनस कर दूँगी पावर, क्योंकि बेस तो सेम है, तो -5 -5 उसके बाद फिर 2 की पावर को मैं क्या लिख दूँगी, -5 -5 5 की पावर मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये दो सॉल्व करते हैं। तो 3 की पावर हो जाएगी -5 + 5, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 0 + 2 की पावर भी 0 हो जाएगी डियर स्टूडेंट, +5 हो जाएगा। अब 5 में आओ, 5 ऊपर दो बार था, बेस सेम था, तो 5 ऊपर जो है हो जाएगा -5 + 3 विच इज़ -2, नीचे 5 था आपका -7, तो डिवाइड हो जाएगा -7 तो हो जाएगा +7, जिससे आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे 5 की पावर हो गई 5। अब यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 1, क्योंकि 0 है उन दोनों की पावर, तो 1 + 1 + 5 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे +5 की पावर आपकी 5 आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 5। इसे पूरा आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा 3125। ठीक है, पूरा सॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स की 10.1 एक्सरसाइज पूरी कर ली है, तो अब हम बढ़ेंगे 10.2 की तरफ। 10.2 बहुत सिंपल है डीएस में, वो फटाफट हम लोग कर लेंगे, आज ये चैप्टर हम लोग को ख़त्म करना है पूरा। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है मतलब थोड़ा इजी करके, मतलब 10 से मल्टीप्लाई आराम से करके अच्छी तरह हम लिख दें, छोटी वैल्यू बनाकर, वरना अगर आप पूरा वैसे यूजुअल फॉर्म में लिखोगे तो उसमें बहुत बड़ा आ जाता है, और कभी कभी हम अच्छी तरह काउंट भी नहीं कर पाते हैं। तो ईजी बनाने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट पहले एग्जांपल कर लेते हैं दो जो बचे थे, जिससे कि क्या हो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म 0.000035, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3.5। अब पॉइंट इधर आ गया, तो मैं यहाँ पे जीरो काउंट आउट करूँगी, तो ये हो जाएगा पॉइंट के बाद, जहाँ पॉइंट लगा उसके बाद जो नंबर्स हैं वो काउंट करते हैं हम लोग। तो 3 को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये जाएगी 10 की पावर -5, क्योंकि यहाँ पे 0.00 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट आओ डियर स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट है 4050000, 4 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 4.05, सो 1 2 0.4 के बाद जो पॉइंट लगे उसके बाद काउंट आउट करो, तो 0 1 5 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं एग्जांपल नंबर 9 से, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, यानी कि उनको पहले वाली फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास है पहला 3.52 × 10 की पावर 5, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिखूँगी 3.52 × 10 की पावर 5। अब 3.52 जो है यहाँ पे, इनको भी हम लोग ऐड करते हैं, जब जब हम लोग उसको यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग इनको भी जोड़ते हैं ना। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल सिखाया था 4.05 वाला, उसमें मैंने आपको कहाँ से कॉइन काउंट करके दिखाया था, 4 के बाद काउंट आउट करा था, है ना, तब मेरे को मिला था 5। तो मतलब मेरे पास 2 डिजिट इधर हो गई, तो 5 को अगर मैं 2 से माइनस करूँगी तो मेरे को 3 मिलेगा, मतलब मेरे को इसको 3 0 लगाने इसके आगे बस, तो 1 2 3।
अब नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है 7.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस फोर है, माइनस फोर है तो ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो ज़ीरो पॉइंट अब यहाँ पे 7.54 है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी जो 0.35 वाला एग्जांपल करता है इसमें बताया था कि 3 के बाद पॉइंट लगा है, तो मतलब मेरे को 3 से स्टार्ट करना है काउंट आउट करने, काउंट करने के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैंने 3 से काउंट करा था, वैसे ही 7 मैं काउंट करूँगी और यहाँ पे है माइनस फोर, ठीक है। तो कितने ज़ीरो लगेंगे आपके, 3 ज़ीरोस लगेंगे, ठीक है। 1 2 3 मल्टी 1 2 3 7 5 4, ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मैं अगर पॉइंट लगाती हूँ तो मेरे को यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो ये ऐसे ही करके आपको इसको सॉल्व करना है। फिर है 3 × 5 की पावर माइनस 5, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, तो इसको अगर मेरे को यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, क्योंकि माइनस 5 है नेगेटिव पावर है, तो मैं 0. अब यहाँ पे 3 के बाद पक्का पॉइंट होगा, ठीक है। तो मैंने 3 से काउंटिंग स्टार्ट करी है, तो मतलब 4 ज़ीरोज़ लगाऊंगी, है ना। तो 1 2 3 4 3, ठीक है, क्योंकि नए पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए ज़ीरो नहीं लगाया गया, वरना पॉइंट है ज़ीरो का, इसलिए 3 से ही काउंटिंग स्टार्ट हो। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहला नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होगा, ज़ीरोस को काउंट आउट करना है, तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस में आएगी, ठीक है। तो 8.5, तो 0.5 के बाद 8 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगी माइनस 12। फिर नेक्स्ट है 9.42, तो इसमें 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 से काउंट आउट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे आ जाते हैं माइनस 13, ठीक है। इसे एक बार अच्छी तरह काउंट आउट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ रहा है डिस्टेंस, तो इसकी पावर भी 12 होनी चाहिए। देन नेक्स्ट में आते हैं माइनस 12, तो यहाँ पे आती है थर्ड कुछ थर्ड वाला, तो इसमें है 6.02, तो इसमें आएगा 6.02, 0.02 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हो जाएगी 10 की पावर 15 पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये 8.37 वाला, तो 8.37, तो मतलब 8 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो माइनस 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे 3.186 वाला, तो इसमें आ जाएगा 3.186 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगी 10 की पावर 10, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। अब एक्सरसाइज द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, तो यूजुअल फॉर्म यानी कि पहले जैसी फॉर्म में इनको लिखना है। पहले वाले की फॉर्म क्या हो जाएगी, 3.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 है, मतलब 0.2 से हमने काउंटिंग स्टार्ट की होगी तब हमारी पावर होगी, तो सिक्स में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो हमें 4 मिलता है, मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.0000, 4 ज़ीरोज विल बी देयर एंड देन 4 5 ज़ीरोज विल बी देयर एंड फिर हमारी पावर हो जाएगी 2, क्योंकि फिर 0.2 भी लिखेंगे ना हम, वैसे 4 0 होंगे लेकिन फिर 0.2 लिख देंगे, ठीक है, 0.0302 लिख देंगे हम, ठीक है। फिर तो फिर काउंटिंग अगर 3.0 से स्टार्ट होगी तो वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी हमारी 0 और 2 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि 0 और 2 जो है हम पॉइंट के बाद लिख रहे हैं, तो डिस्टेंस 3 से जब हम काउंटिंग स्टार्ट करें तब हमें वो नंबर मिले एग्जैक्टली वाला, तो इसलिए आपका हमने ऐसे लिख रखा है, ठीक है डिस्टेंस। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, तो ये भी हमने कर लिया है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट, आपका यहाँ पे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, तो अब इस पर हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, तो हम लोग 4.5, अब 0.5 है, तो मतलब हम लोग ने इसको यूजफुल फॉर्म में कैसे लिखा, कैसे लिखेंगे, 4500। तो अब जब हम पॉइंट लगाएंगे तो हम पॉइंट के बाद काउंट आउट करते हैं, तो इसमें हमें पावर 4 मिल जाएगी, तो 45,000। तो नेक्स्ट आता है 10 की पावर माइनस 8, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.000000 की पावर फिर 3 आ जाएगा, क्यों डी स्टूडेंट, क्योंकि 3 के बाद भी 0 होगा, है ना, लेकिन हमने पॉइंट लगा दिया तो हम 3 से काउंट स्टार्ट करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, तो इस 7 0s we will put। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास 1.001 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, तो इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, इसमें देखो 1001 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, तो इसमें 10 की पावर कितनी हो जाएगी, अब जब पॉइंट के बाद हम स्टार्ट करते हैं तो 1 1 1 2 3 4 4 के बाद फिर मेरे को कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे, 5 जीरोस लगाने पड़ेंगे 9 पावर करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग 5 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट 5.8 की पावर 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12, तो इसमें मैं क्या लिखूँगी 8 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर देना, तो 1 तो ये हो गया, तो मतलब 11 जीरोस हम लोग लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 जीरोस लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 3.61492 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, तो इसमें हम लोग काउंटिंग पॉइंट के बाद स्टार्ट करते हैं, तो 3 के बाद यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो एक ही जीरो और लगेगा, ठीक है, या तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे देखो, अब माइक्रोन 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/ इतना लिख रखा है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 0. इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00000, बहुत सारे जीरो हैं, तो 16 कॉलम भी, जब आप जीरोस काउंट आउट करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, इसमें इस वाले में आपकी 10 की पावर हो जाएगी -19, और ये हो जाएगा कोलोम। उसके बाद साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.00005 meter, तो इसमें देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो अब यहाँ पे देखो 5 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी डी स्टूडेंट, 5 के पास भी पक्का पॉइंट जीरो होगा, तो यहाँ पे 5 से काउंट आउट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगी -7। उसके बाद नेक्स्ट है साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.275, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने पॉइंट जहाँ से लगाया है 1.275 से, तो रेडियो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 5 हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है थिकनेस ऑफ अ थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर, तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 × 10 की पावर हो जाएगी -2 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट आते हैं, इन अ स्टैक देयर आर 5 books ऑफ ईच थिकनेस 20 millimeter एंड 5 paper sheets ऑफ ईच थिकनेस 0.0116 millimeter, व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ अ स्टैक। अब यहाँ पे देखो 5 books, तो हम पहले इनकी थिकनेस निकालते हैं, तो इनकी हो जाएगी 100 millimeter, उसके बाद फिर 5 paper sheet ऑफ ईच थिकनेस इतना, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 5 होता है 80 आपका, ठीक है डिस्टेंट, तो 80 होता है, तो 80 होता है, तो पॉइंट के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, 0.0, तो ये जाएगा 0.080। अब हम लोग इनसे ऐड कर देंगे टोटल थिकनेस निकालनी है, तो इसमें हमारा क्या जाएगा, टोटल थिकनेस 0.0001,
तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगी स्टैंड वाली फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1.008 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे 10 की पावर आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने सारी पूरी एक्सरसाइज हमारी कर ली है और बहुत ही अच्छा चैप्टर रहा है ये। तो डियर स्टूडेंट ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करना, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसमें आपको मज़ा तो आएगा ही साथ ही साथ, और साथ ही साथ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कि क्या हो हमें और मोटिवेशन मिले और आपके लिए और क्वालिटी बेस्ड वीडियोज़ ला सकें, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।